नमस्कार दोस्तों एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक और बहुत ही धमाकेदार वीडियो में और कैलेंडर का जो मैंने एक और वीडियो दिया था जहां पर मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था और उस वीडियो पे आप सबने बहुत सारा प्यार दिखाया है नौ लाख ,00 उस पर व्यूज़ आ चुके हैं तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जल्दी से उसको यार एक मिलियन तक पहुंचा दो आपको ऊपर आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगा अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं इसके साथ ही साथ अगर आप लोग पी चाहते हैं स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है देखने को मिल जाएगा सो so गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कैलेंडर के जो आज मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ वो आपके 2018 में 2019 में जो आपके भिन्न भिन्न तरह के एग्जाम हुए हैं वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ से क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी वर्ष जो कि लीप वर्ष ना हो अभी मैंने आपको बताया था लीप वर्ष कौन सा नहीं होता है देखो लीप वर्ष का मतलब होता है जिसमें तीन सौ छाछठ दिन हो और जो लीप वर्ष नहीं होता है उसका मतलब होता है तीन सौ पैंसठ दिन जिसमें हो तो यहाँ पर कह रहा है यदि पहला दिन रविवार हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं आपको सीधे सीधे रटा देंगे कि कोई सामान्य वर्ष होता है यानी कि जो लीप वर्ष नहीं होता है उसका पहला दिन अंतिम दिन एक समान होता है तो उस हिसाब से हम लोग रविवार टिक कर सकते हैं लेकिन इन फ्यूचर मान लो अगर आप भूल जाते हो कि भाई हमने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था तो इसको लगाना भी आपको आना चाहिए ऐसा नहीं कि बस आप रटे रहो क्योंकि मैथ हो गया रिजनिंग हो गया इसको रटा नहीं जाता है तो यहाँ पर समझिएगा मान लीजिए कोई नॉर्मल ईयर है अगर उसके एक जनवरी को समझिएगा एक जनवरी को अगर आपका क्या है रविवार है तो एक चीज़ समझो कि अगले साल एक जनवरी को यानी कि अगर ये एक नॉर्मल ईयर दो है तो अगले साल एक जनवरी दो को आपका एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा क्या आ जाएगा आपका सोमवार आ जाएगा ठीक है तो अगर अगले साल एक जनवरी दो हज़ार ग्यारह को तो सोमवार है तो उसके एक दिन पहले इकतीस दिसंबर को कौन सा दिन होगा आपका इकतीस दिसंबर को आपका रविवार ही हो जाएगा ठीक है और यही अगर मान लीजिए लीप वर्ष होता लीप वर्ष होता यानी कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया होता एक जनवरी दो हजार बारह को दिया गया होता क्या रविवार तो अगले साल समझिएगा तो अगले साल एक जनवरी दो हजार तेरह को 2013 को आपका जब लीप ईयर को क्रॉस करते हैं तो दो दिन आगे बढ़ जाते हैं यानी कि आपका क्या आ जाता मंगलवार आ जाता और ये मंगलवार आता तो 31 दिसंबर को आपका कौन सा डे होता 31 दिसंबर को आपका एक दिन पहले आते आपका क्या पड़ता सोमवार पड़ता तो आपका जो करेक्ट आंसर तो सोमवार होता तो दोनों चीज़ें मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दी आप लोग याद भी रख सकते हो याद कैसे रखना है कि अगर कोई लीप ईयर दिया गया हो अगर उसका पहला दिन सोम रविवार है तो उसका जो आखिरी दिन होगा उससे एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा समझ गया आखिरी दिन अगर कोई नॉर्मल ईयर है यानी कि लीप वर्ष ना हो तो पहला आखिरी दिन क्या होगा बराबर होगा देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका से में पूछा गया है और इसी तरह का बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका देखिए दो हजार सत्रह में पूछा जा चुका है देख सकते हैं सेम क्वेश्चन है यदि वह वर्ष जो लीप वर्ष नहीं हो उसका पहला दिन शुक्रवार है तो उसका आखिरी दिन क्या होगा अभी मैंने बताया कि जो लीप वर्ष नहीं होता पहला आखिरी दिन बराबर होता है तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा शुक्रवार ही हो जाएगा अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान समझो और ये आपका देखिए 2010 एसएससी सीएमएल में और यूपी पी 2019 में पूछा जा चुका है कि, कि किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन जैसे आपका एक जनवरी 1900 से शुरू हो सकता है यानी कि अगर हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक जनवरी 1900 को कौन सा डे था सन एक जनवरी उन्नीस का उन्नीस सौ को कौन सा डे था आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है अब एक चीज़ समझिएगा अगर हमसे इस क्वेश्चन को पूछा जाए तो हमने आपको एक सूत्र भी बताया है एक हमने आपको फॉर्मूला बताया है मैंने जो तो बताया ना इसमें नौ लाख यूज गए हैं उसी में मैंने आपको ये ट्रिक बताया है ट्रिक क्या है भाई कि भाई ये होता है जीरो तीन सौ छत्तीस एक सौ छियालीस दो सौ पचास पैंतीस ये क्या होता है आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इन सबका कोड होता है समझिएगा ये इन सब का कोड होता है इसके अलावा क्या बोलते हैं आपका क्या एक आपका होता है ये जनवरी फरवरी का कोड होता है इसके अलावा एक हमने बताया था चौंसठ बीस और चौंसठ बीस में क्या होता है ये आपका देखिए सोलह सोलह सौ से स्टार्ट होता है ठीक है ये सोलह सौ से स्टार्ट होता है सोलह सौ सत्रह सो ये अट्ठारह सौ का कोड ये उन्नीस सौ का कोड इसी तरह ये आपका दो हजार का कोड ये इक्कीस सौ का कोड ये बाईस सौ का कोड और ये तेईस सौ का कोड ये मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया है अगर आपको देखना है ये वाला कोड सीखना है तो आप सीख सकते हो डिटेल में तो वहां पर आपको मैंने ये सब चीजें बताई हैं ये आपका मैंने नॉर्मल ईयर के लिए बताया था और लीप ईयर के लिए मैंने बताया है कि बस ये जो छः ये जीरो और जो तीन है ये छः और दो हो जाता है बस मैंने आपको ये इतनी चीजें आपको वहां पर बता रखी हैं। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप लोग जाके देख सकते हैं अब देखिए यहाँ पर क्या करना है समझिएगा क्वेश्चन को तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है एक जनवरी सन दो हजार को कौन सा डे पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे सिंपल सा फंडा है पहले क्या लिखेंगे हम लोग एक को लिखते हैं फिर क्या लिखेंगे जनवरी का कोड कितना है देखिए ये हो गया जनवरी तो जनवरी कोड क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा अब देखो लोग यहीं पर गलती करते हैं क्या करते हैं ना कि वो लोग देखें सन उन्नीस क्या करते हैं कि उन्नीस सौ चार सौ चार से कट जा रहा है तो उसको आप लीप ईयर मान लेते हो लेकिन भाई ये लीप ईयर नहीं है जब लास्ट में दो जीरो आ जाए यानी कि शताब्दी वर्ष हो जाता है तो ये आपका एक नॉर्मल ईयर ही बन जाता है ये लीप ईयर तब होगा जब चार सौ से कटे और चार सौ से ये पूरा नहीं कट रहा है इसलिए हम लोग इस ऊपर वाले कोड को लेंगे नॉर्मल ईयर को नॉर्मल ईयर में ही इसको रखेंगे तो एक जनवरी फिर जनवरी के बाद लिखते उन्नीस सौ का कोड देखिए उन्नीस सौ का कोड कितना दिया गया देखिये उन्नीस सौ और तेईस सौ का कोड कितना आपका जीरो दिया गया है तो जीरो कर देंगे उसके बाद फिर से हम लोग क्या लिखते हैं लास्ट उन्नीस सौ बीस होता है तो यहाँ पर उसको लिखते हैं लेकिन सब कुछ जीरो है तो यहाँ पर एक जीरो फिर लीप ईयर भी उन्नीस सौ में ईयर भी कितने होंगे जीरो ही होंगे तो यहाँ पर कोड कितना आया आपका एक आया और एक कोड किसका होता है अभी मैंने आपको बताया था कि जीरो मतलब रविवार एक मतलब सोमवार दो मतलब मंगलवार तो एक मतलब क्या हो जाएगा आपका सोमवार हो जाएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या आ जाएगा सोमवार आ जाएगा क्लियर है सभी को आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन यहाँ पर माफ कीजिएगा चौथा कट गया बट चौथा क्वेश्चन क्या था मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन बिल्कुल सेम था उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कोई अधि वर्ष हो यानी कि कोई लीप शताब्दी वर्ष हो जैसे कि आपका एक जनवरी सन 2000 एक जनवरी क्या हो आपका सन 2000 हो तो उसका पहला दिन क्या हो सकता है अब यहां पर भी वही सेम यूज कोड यूज करेंगे मैंने आपको क्या बताया था एक तो कोड आपका ये होता है जीरो तीन सो छत्तीस एक छियालीस दो पचास पैंतीस एक तो मैंने आपको ये बताया था ये आपका नॉर्मल ईयरली बताया था एक लीप ईयरली बताया था कि जनवरी फरवरी का कोड छः और क्या हो जाता है दो हो जाता है इसके अलावा मैंने चौंसठ बीस बताया था ये सो तो आपको पता है ये उन्नीस का है आ, सो सोलह का है ये दो हजार सोलह और दो हज़ार के दो लिए दोनों काम करेगा तो यहाँ पर हमें सोलह और दो हज़ार से ही मतलब है देखिए दो हज़ार यहाँ पर दिया गया ना तो यहाँ और देखिए कोड कैसे यूज करेंगे यहाँ पर क्या है आपका एक है अब जनवरी का कोड क्या लेंगे अब देखो मुझे पता है कि ये लीप शताब्दी है क्योंकि भैया ये चार सौ से पूरा पूरा कट जाएगा यानी कि हम लोग जनवरी ये लीप वाला लेंगे तो जनवरी कितना आपका यहां पर छे है तो क्या जाएगा आपका छह हो जाएगा उसके बाद दो का कोड देखिए कितना दिया गया आपका दो का कोड कितना दिया गया छह ही तो दिया गया यहां पर फिर से क्या ले लेंगे हम लोग छे ले लेंगे उसके बाद क्या है फिर आपका देखिए दो हजार में आगे तो जीरो जीरो लगा हुआ तो जीरो प्लस जीरो कर देंगे तो छ छह एक कितना हो गया तेरह हो गया अब तेरह में अगर हम लोग निकालेंगे एक्स्ट्रा डे कितने होंगे तो सात से डिवाइड कर दो ना सर एक्स्ट्रा डे तो निकालना सबको पता ही है सात से डिवाइड करोगे तो सात एक नम सात यानी कि शेसफल कितना आ गया छः और छ किसका कोड होता है आप लोग भी बता सकते हो भैया छह जो होता है शनिवार का कोड होता है तो अगर आपसे पूछा जाए कि सन एक जनवरी दो को कौन सा कोड दिन पड़ेगा तो आपका शनिवार पड़ जाएगा क्लियर है अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है यदि परसों मंगलवार था तो अगले कल के ठीक बाद कौन सा दिन होगा समझिएगा ये है आपका आज अब आप देखिए यहाँ पर था कह रहा है यानी कि परसों पास्ट में जाएंगे तो या ये आपका टुडे हो गया यह आपका कल हो गया यस्टरडे हो गया यह आपका डे बिफोर यस्टरडे हो गया ठीक है यह आपका परसों हो गया और परसों क्या था आपका मंगलवार था समझ में आ गया ना ये आपका क्या है मंगलवार है तो अगले कल के ठीक बाद कौन सा होगा तो अगला कल के ठीक बाद इस दिन पूछा गया है कौन सा डे होगा तो बता सकते हो ना तो भाई अगर ये मंगलवार है तो ये बुधवार होगा ये बृहस्पतिवार होगा ये शुक्रवार होगा ये आपका क्या हो जाएगा आपका शनिवार हो जाएगा सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं है तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा शनिवार आ जाएगा और देख सकते हैं एस एस सी सी एम एल दो हजार दो में और यही सेम रिपीट हुआ है यूके ट्रिपलअस्सी दो हजार उन्नीस में यूके ट्रिपल ट्रिपलअसी उत्तराखंड का है तो क्लियर है इसका करेक्ट आंसर कितना जाएगा आ जाएगा आपका शनिवार आ जाएगा आई होप कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में इसी तरह एक और क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि यदि परसों शनिवार है तो कल से तीन दिन पहले कौन सा दिन था देखिए समझिए वही सेम क्वेश्चन है टुडे ये आपका परसों हो गया शनिवार अब देखिए यहां पर कह रहा है यदि परसों शनिवार हो तो 3 दिन पहले कौन सा दिन था देखो यहां पर हो कहा गया है यानी कि हम लोग था में नहीं जाएंगे हम लोग फ्यूचर में जाएंगे ये वर्डों पर भी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हो लिखा गया है यानी कि परसों यानी कि ये आपका टुडे है तो परसो आपका ये क्या हो जाएगा आपका शनिवार हो जाएगा सैटरडे हो जाएगा समझिएगा ना तो यहाँ पर कह रहा है कल से फिर यहाँ पर ये कल से तीन दिन पहले एक दो तीन इस दिन पूछा जा रहा है कौन सा डे हो जाएगा तो समझिएगा कल अग, तो यहाँ पर देखिए शनिवार है तो आपका ये शुक्रवार ये आपका बुधवार आ जाएगा ठीक है शुक्रवार के पहले क्या वार आ जाएगा बृहस्पतिवार आ जाएगा बृहस्पतिवार उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार के पहले आपका होता है बुधवार बुधवार के पहले आपका क्या होता है मंगलवार और मंगलवार के पहले क्या होता है सोमवार सोमवार के पहले क्या होता है रविवार होता है तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट तो आंसर आपका क्या आ जाएगा रविवार आ जाएगा क्लियर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो इसका फोर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लेते हैं क्योंकि इन इस तरह के क्वेश्चन में देखिए आपका ग्रुप डी में भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है गलती हो जाती है कभी कभी क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि परसों शनिवार हो यानी कि परसों क्या आपका शनिवार ये कल ये परसों तो कल से तीन दिन पहले कौन से हैं तो ये कल हो गया कल से तीन दिन पहले एक दो तीन तीन पहले कौन सा दिन आ जाएगा आपका रविवार आ जाएगा ठीक है सर क्लियर हो गए क्वेश्चन चलिए तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ समझ में आ गया होगा तो आज के ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जो अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आता है जैसे कोई आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो कॉमेंट करके बताओ उस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो दिए जाएंगे और इस वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और आई बटन में जो वीडियो दिया गया उसको यार जल्दी से देखो और जाकर के उसको एक मिलियन पहुंचाओ तो आज के वीडियो से इतना ही विगले बबाए टेक केयर जय हिंद जय भारत